तो इस तरह मिले थे ऋतिक रोशन और सबा आजाद। डिनर डेट पर की थी ये बातें। इन दिनों ऋतिक रोशन और सबा आजाद के बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं। दोनों एक डिनर डेट पर दुनिया के सामने आ गए थे जब पेपराजीज ने उन्हें साथ में स्पॉट किया था। ऋतिक और सबा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले नजर आए थे और इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की खबरें तेज हो गई थी। अब दोनों के रिलेशनशिप पर आए दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऋतिक और सबा एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले थे। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि हाल ही में डिनर डेट पर दोनों ने क्या बातें की। रिपोर्ट की माने तो ऋतिक रोशन और सबा पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले जिसका इंडी म्यूजिक से ताल्लुक है। इनकी पहली मुलाकात के बाद ऋतिक और सबा दोनों एक दूसरे के साथ टच में रहे और हाल ही में डिनर पर मिले। दोनों ने डिनर पर काम की बातें की। आपको बता दें, सबा ने मुझसे फ्रेंडशिप करोगे और दिल कबड्डी नाम की फिल्म में काम किया है। पिछली बार वो नेटफ्लिक्स की सीरीज फील्स लाइक इश्क में नजर आई थी। इसके अलावा उनकी एक और सीरीज रॉकेट बॉयज 4 फरवरी को रिलीज हो रही है। साथ ही में सबा एक म्यूजिशियन भी है, इसलिए ये अटकलें तो पहले भी थी कि ऋतिक सबा के साथ किसी म्यूजिक वीडियो में नजर आ सकते हैं। सबा से ऋतिक के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा कि वो काम कर रही हैं और बाद में बात करेंगी। इस तरह से उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप की बात पर ना तो हाँ कहा है और ना ही ना कहा है।